नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। घूस लेते मिली महिला डीपी, धमकी देकर व्यापारी को लूटा, बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। घूस लेते मिली महिला लिपिक। एसीबी ने हिंगना दुयम उपनिबंधक कार्यालय की वरिष्ठ लिपिक को वकील से 15,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा है। गुरुवार की दोपहर की गई इस कार्रवाई से दुयम उपनिबंधक कार्यालय में हड़कंप मच गया। आरोपी लिपिक 52 वर्षीय अलका रविंद्र फेंडर है। फेंडर हिंगना के दुयम उपनिबंधक कार्यालय में तैनात है। शिकायतकर्ता वकील है। उनके पक्षकार ने हिंगना के महाजन वाड़ी में जमीन खरीदने का सौदा किया है। पक्षकार ने जमीन का व्यवहार करने के लिए वकील को पूरे अधिकारी दे दिए थे। वकील ने संबंधित जमीन की खरीदी का सौदा करके पक्षकार के बताए अनुसार रजिस्ट्री के लिए हिंगना के दुयम उपनिबंधक कार्यालय में तैनात अलका फेंडर से संपर्क किया। अलका ने रजिस्ट्री कराने के बदले में 20,000 रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर रजिस्ट्री के दस्तावेज में खामियां होने का बताया। घूस देने की इच्छा नहीं होने से वकील ने एनसीबी में शिकायत दर्ज कराई। एनसीबी ने शिकायत की जांच की तो इसकी पुष्टि हुई। उसकी योजना के तहत वकील ने अलका से संपर्क किया। वह 15,000 रुपए में रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हो गई। इसके अनुसार एसीबी ने आज दोपहर अलका को पकड़ने की योजना बनाई। उसे उपनिबंधक कार्यालय में रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। यह कार्रवाई एसीबी अधीक्षक लक्ष्मी नांदेड़कर, अपर अधीक्षक मिलिंद तोतले के मार्गदर्शन में पीआई संजीवनी थोरात, कर्मचारी प्रवीण पडोले, सूरज बुदे, रेखा यादव, गीता चौधरी, प्रिया नेवारे तथा सिरसाट ने की है। तो वही दूसरे और धमकी देकर व्यापारी को लूटा। असामाजिक तत्वों ने व्यापारी और उसके कर्मचारियों को धमकी देकर 87,000 रुपए की चाय पत्ती लूट ली। यह वारदात 1 मई की शाम जरीपटका के कस्तूरबा नगर में हुई। नितिन पारसमल ओसवाल मसाले और अन्य उत्पादकों के वितरक है। आरोपी विमल कोचेला किराना सामान की बिक्री करता है। वह आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसे ओसवाल ने सामान की आपूर्ति की थी। उसने भुगतान के बदले में चेक दिया था। चेक बाउंस हो जाने पर विमल ने ओसवाला को चाय पत्ती के 20 बॉक्स का ऑर्डर दिया। उसने बकाया और चाय पत्ती के 87,000 रुपए का एक मुश्त भुगतान करने का झांसा दिया। उसकी बात पर भरोसा करके 1 मई की शाम ओसवाला माल वाहन में ड्राइवर ओम प्रकाश गानार, कर्मचारी प्रदीप ठाकुर तथा सतीश धुर्वे के साथ चाय पत्ती के बॉक्स लेकर जरीपटका पहुंचे। वहां विमल अपने 3 साथियों के साथ वाहन से पहुंचा। उन्होंने चाय पत्ती बॉक्स देने को कहा। पिटने की धमकी देकर ओसवाल से चाय पत्ती मांगने लगे। जान पर खतरा देखकर ओसवाल वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद विमल ने चालक ओम प्रकाश को डंडे से मारने की धमकी देकर वाहन की चाबी मांगी। ओम प्रकाश ने घबराकर चाबी दे दी। विमल और उसके साथी चाय पत्ती के बॉक्स लेकर अपने वाहन से फरार हो गए। ओसवाल ने घटना की तत्काल पुलिस को सूचना भी नहीं दी। बुधवार को जरीपटका थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। तो वही तीसरे और बढ़ रहा है आवारा कुत्तों का आतंक। शहर में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, जिससे रात के समय सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालक व पैदल राहगीरों में भय का माहौल है। वाहन चालकों का कहना है कि सड़क किनारे बैठे आवारा कुत्तों का झुंड किसी भी वाहन के आने के बाद सड़क के बीचों बीच में आ जाता है। इससे बचने की कोशिश में कई वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।